हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विथ मीजान। जी हाँ दोस्तों, एक नई रेसिपी के साथ फिर से आ गए हैं, जो बहुत ही मुश्किल रेसिपी होती है और सबकी ये क्वेश्चन होता है, मैम ये बड़े सॉफ्ट क्यों नहीं बनते हैं। तो यकीन मानिए, इस टिप्स को फॉलो कीजिए, आपके बड़े बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे और बहुत ही जल्दी बन के रेडी होंगे। देखिए कितने गोल्डन बड़े बन के रेडी हैं, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। आप इसको बना के घर पर ज़रूर देखिएगा। उसके साथ साथ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ लिया उड़द की दाल, जो बिना छिलके वाली उड़द की दाल होती है वो लिया था। उसे मैंने तकरीबन 6 से 8 घंटे भिगो के रख दिया था। और अब इसे हम एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। इसे हम मिक्सर में पीसेंगे। मिक्सर में पीसने से क्या होता है कि हमारी जो दाल है, जो बैटर है, वो बिल्कुल सॉफ्ट बन के रेडी होता है। मुझे बिल्कुल इस पर अदर मतलब ओवर वर्क नहीं करना पड़ता है, इसलिए हमें मिक्सर में पीसना से अच्छा लगता है। इससे फाइन पेस्ट भी बन के रेडी हो जाता है। इसके साथ हमने यहाँ 1/2 पिंच बेकिंग सोडा यूज़ किया। उसके साथ साथ हमने 1/2 टेबल स्पून हम यहाँ ज़ीरा ऐड करेंगे और इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सिर्फ हमें दोस्तों अच्छे से मिक्स करना, बहुत ज़्यादा इस पर वर्क नहीं करना है। बिल्कुल ये मेरा सॉफ्ट बन, देखिए इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे चेक करने के लिए कि मेरा डो क्या बन के रेडी है बड़े के लिए, इसके लिए हमें एक कटोरी में पानी लेंगे। आप किसी चीज़ में पानी ले सकते हैं, उसमें से हम ये पेस्ट लेंगे यानी बैटर लेंगे इसका, और पानी में डालेंगे। अगर ये बेस पे जाके बैठ जाता है तो मेरा जो पेस्ट है वो बिल्कुल बन के रेडी नहीं हुआ, यानी सॉफ्ट नहीं हुआ है। अगर ये ऊपर आके तैरने लगता है तो यानी हमारा रेडी है बिल्कुल बड़ा बनाने के लिए, बिल्कुल ये बैटर रेडी है। तो चलिए इसे हम तलना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने एक पैन लिया जिसमें हमने ऑयल को गर्म कर लिया। अब यहाँ टुकड़ा डाल के हम चेक करते हैं क्या मेरा ऑयल परफेक्ट रेडी है बड़ा तलने के लिए। देखिए हम पहले हाई फ्लेम पर इसे गर्म करेंगे, फिर इसको लो फ्लेम पर कर देंगे। तो चलिए हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं और इस तरह हम बड़े को काट लेते हैं। आप जो भी बड़े का शेप देना चाहें वो दे सकते हैं। हमने यहाँ एक पकौड़ी के आकार या राउंड शेप में बड़े बनाए हैं। ये देखिए हमने सारे बड़े को इस तरह काट लेंगे और स्पून के हेल्प से यानी करछी के हेल्प से ऊपर ऑयल भी डाल देंगे, ताकि जब इसको पलटे तो ये बेस पे जाके ना चिपके। इस तरह हमें सारे बड़े काट लेने हैं। बिल्कुल आसान है बनाना दोस्तों, अगर इस टिप्स को फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आसानी से आप बना सकते। देखिए मेरे बड़े गोल्डन ब्राउन होके रेडी हैं। अब स्टेज पे हम इस बड़े को जो है बाहर निकालें। हमेशा याद रखना, बड़े जब भी हम तले उसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पर तले, हाई फ्लेम पर बिल्कुल ना तले। हाई फ्लेम पर तलने से क्या होता है कि ऊपर जो होता है बिल्कुल जल जाता, बट हमारा जो अंदर होता है वो कच्चा रह जाता है। इसलिए हमेशा बड़े को लो फ्लेम पर ही तले। ये टिप्स को आप ज़रूर फॉलो करें, इससे आपके बड़े सॉफ्ट होंगे और अच्छे से गोल्डन ब्राउन बन के रेडी होंगे। तो चलिए इसे हम बना के मेरा जितने बड़ा है ये तल के बिल्कुल रेडी हो, इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों आप ज़रूर इस टिप्स को फॉलो करिएगा और बनाइएगा और हमें कमेंट्स ज़रूर लिखिएगा। और साथ में अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपका एक हाथ फ्री है, आपका लेफ्ट हैंड फ्री है। आप जाइए और लाइक कर दीजिए, लाइक का कोई पैसा नहीं है। साथ ही सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दिए। और ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसे लगेगी। अगर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।